बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर आज एक बार फिर राजधानी रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और एसपी ऑफिस के घेराव के लिए यहां पर आप देख सकते हैं निकले भारी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं और एसपी ऑफिस के घेराव के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर राजधानी रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज एसपी कार्यालय का घेराव करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जबरदस्त तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। हम सीधे बात करेंगे इनके कार्यकर्ता से, इनके सदस्य की, किस तरह से ये प्रदर्शन रहेगा, क्या मांगे हैं इनकी। देखिए प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? जिस प्रकार की घटना गुरुवार के रात के रायपुर शहर में देखने को मिली, शस्त्र प्रदर्शन को एक धार्मिक कार्यक्रम में शस्त्र प्रदर्शन किया गया, खुलेआम तलवार और पिस्टल दिखाई गई, उसके बाद भी पुलिस के रहते भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्रवाई की घोषणा किया। तत्काल आप सोमवार के दिन कार्रवाई करते हैं, क्या बजरंग दल के बोलने से कार्रवाई करेंगे कि अपराध को देखने से कार्रवाई करेंगे, या पुलिस स्पष्ट करे। और जिस तरीके से दहशतगर्दी का माहौल बनाने का प्रयास किया गया, यह ठीक नहीं है और यह पुलिस की सह में हुआ है और कांग्रेस की सरकार के रहते हुआ है इस प्रदेश के अंदर में। तो एक बड़ा आरोप है इसमें, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर एक तलवार और चाकू लहराते हुए एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जुलूस निकाला गया था और तलवार और चाकू पिस्टल जैसे कई हथियार यहाँ पर लेकर जो रैली निकाली गई थी उसको बताया जा रहा है कि यह पुलिस के सह में हुआ है। और बजरंग दल ये कह रहा है कि आखिर ये मांग बजरंग दल के करने के बाद क्यों कार्रवाई की जा रही, क्या पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है और रायपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय एसपी ऑफिस का घेराव करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी आक्रोश के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। के बाद क्या रणनीति रहेगी विश्व हिंदू परिषद की? क्या चीज, क्या रणनीति रहेगी इस आंदोलन के बाद? इस आंदोलन के बाद हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें शांति चाहिए और विशेष समुदाय को जो छूट दे रखी है वो छूट बंद होनी चाहिए।